रोहित भाई, बहुत जगह प्रदीप वर्सेस राहुल होता है, आप लोगों की क्या राय है इस पे? देखिए प्रदीप कौन बड़ा रेडर है वो पूछ रहे हैं। राहुल चौधरी अगर देखा जाए तो प्रो कबड्डी इतिहास में पोस्टर बॉय के नाम से जाना जाता था उनका। आप शुरू के 4 सीजन उठा के देखेगा, राहुल के पैर रुकते नहीं थे मैट पे भाई, अकेला खेलता था तेलुगु टाइटन के लिए। उसके बाद जैसे प्रदीप आए, 3 सीजन कंटिन्यू विन कराया अपनी टीम को, पटना पायलट को, और लास्ट 2 सीजन भी अच्छा खेले है। दोनों अच्छी फॉर्म में, मैच आएगा तो आपको दिख ही जाएगा मैच पे कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कौन खराब दे रहा है। प्रीतम भाई आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, वो क्यों पूछे कौन बेहतर रेडर है इस पे? भाई रोहित भाई ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट बताया है। जहाँ तक मेरा मानना है भाई, प्रदीप आउटस्टैंडिंग है। जहाँ तक मेरा मानना हो, मैं मानता हूँ राहुल चौधरी को पोस्टर बॉय कहते हैं, लेकिन उनका जो सेकंड और थर्ड सीजन में, जो फोर्थ सीजन में वो जो अपना तेलुगु टाइटन से खेल रहे थे, तो मेरा मानना ये ठीक है वो रेडिंग डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम को उठा के देखो उनकी टीम की क्या परफॉर्मेंस। सिंगल ये टीम गेम है भाई, अपना सिंगल परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन सिंगल परफॉर्मेंस गेम टीम में इतनी ऊपर नहीं दिखाई देती जैसा कि प्रदीप नरवाल एक टीम गेम खेले हैं और अपनी टीम को ऊपर लेके गए हैं, और 3 टाइम उन्होंने पटना को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। जी जी जी, गोल्ड मेडल देखिए प्रो कबड्डी में गोल्ड मेडल दिलाया दोस्त, ठीक है। हरियाणा से प्रदीप नरवाल 5-6 साल से कंटिन्यू नेशनल्स खेल रहे, उसके बाद भी राहुल चौधरी ने नेशनल में एक मेडल दिलाया, अभी गोल्ड मेडल फिर दिलाए नेशनल गेम्स में। प्रदीप की वहाँ फॉर्म कहाँ रह जाते? देखिए मेरा मानना ये है प्रीतम भाई, राहुल चौधरी भी अपनी जगह सही है, वो अच्छा वर्क करते हैं टीम के लिए और अच्छे खेलते भी है। मैं आपकी इसी बात पे रोहित भाई एक जवाब देना चाहता हूँ, एक इसी बात का। गगन भाई सुनना ध्यान से, आजी भाई आप भी सुनना। प्रदीप नरवाल मेरे साथ ही थे सेकंड सीजन में, ठीक है। वो फर्स्ट मैच में उनका बहुत नाम सुना था, लोकल टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे, और राहुल चौधरी फर्स्ट सीजन से ही खेल रहे हैं, थोड़ा सा नोट करना बात को, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है, सेकंड सीजन में वो आए थे रणधीर कोच साहब के पास, हमने बहुत नाम भी सुना था कि भाई लोकल टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो 2 मैच खिलाए कोच साहब ने नहीं चले, 3 मैच खिलाए, लेकिन 4th मैच में कोच साहब ने डायरेक्ट बोला यार हुआ क्या तेरे को, यार इतना नाम सुना मैंने तेरे हरियाणा में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ यही बोला था कि कोच साहब मेरे से नहीं खेला जाना, मेरे को लाइट और इतना हल्ला मच रहा, तो कोच साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं तू होपलेस हो गया, हम समझ सकते हैं तेरी बात को। लेकिन जैसे ही वो 3rd सीजन में गए हैं भाई, एक तो 3rd सीजन से चलना, ठीक है, और एक पहले सीजन से ही जो राहुल चौधरी देखो फर्स्ट सीजन में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सेकंड में भी, लेकिन अपने प्रदीप नरवाल आप ये देखो ना भाई, वो 3rd सीजन से चले हैं और ये सीजन आया है, और इससे पहले भी उठा के देख लो उनकी परफॉर्मेंस और उनका स्कोर बोर्ड, और राहुल चौधरी के सीजन और उनका स्कोर बोर्ड, तो ये भी तो चीज़ मैच करती है ना भाई, तो कहीं ना कहीं उनके 3-4 स्कोर लेके जाना। राहुल तो उनकी टीम को उठा के देखो, मैं एक मानता हूँ कि एक टीम गेम है, तो एक टीम गेम और एक सिंगल पर्सन कितना आप बता सकते हो, आप भी कबड्डी के प्लेयर हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वो तो होना चाहिए। प्रदीप अलग ही लेवल के प्लेयर की बात एग्री करता हूँ, रिकॉर्ड ब्रेकर है, ठीक है, पेपरों में ऑन वर्क उन्होंने काम भी किया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है कि राहुल चौधरी कहीं ना कहीं अदर, देखिए प्रो कबड्डी की बात छोड़ के अदर किसी भी कंपटीशन में देखिए राहुल चौधरी उससे बेटर पढ़ते हैं। आप विदेशी टूर के बारे में भी आप उनके बारे में बोल चुके हो, शायद उनका 3 टूर में तो खाता भी नहीं खुला था, तो वही गलत बात, बोल रहे हो क्या वही बात है रोहित भाई, एक पढ़ाई भी तो होती है ना, एक रिकॉर्डर अच्छे प्लेयर को सब पढ़ने की सोचते हैं। अरे ब्रो हम सबको पढ़ाया सबने, ठीक है।